أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اردو ٹائم ٹی وی یو کے کی طرف سے خوش آمدید میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں شہزاد بیگ صاحب اور آج کے ہمارے مہمان امیر خسرو نے کہا تھا کہ میرے دل کے ویرانے میں تیرے عشق کا خزانہ پوشیدہ ہے کسی شعلہ سے ہمیشہ میری روح میں آگ بھڑکتی رہتی ہے تو آج اپنے بہت ہی پیارے دوست جن کے ساتھ ہم نے زندگی بھی گزاری ہے ہم اور بہت پیارا انسان جدید غزل میں اتنی تھوڑی عمر میں انہوں نے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے آج ان سے باتیں بھی کریں گے ان سے ان کا کلام بھی سنیں گے بے باک قسم کی آواز میرے شہر کی پہچان مقصود وفا صاحب السلام علیکم مقصود وفا وعلیکم السلام بڑی محبت کیسے ہیں آپ بس الحمدللہ آپ سنائیں آپ کیسے ہیں جی جی اچھا ہوں تو جناب وہ میں آپ سے شہزاد بیگ صاحب دیکھو یہ تمہارے ساتھ جو بات ہو رہی ہے نا اصل میں صابر رضا زندگی کتنی پیچھے گزر چکی ہے اور غبار اڑتا ہے آگے پتہ نہیں اتنی ہے بھی تو تمہارا ایک عرصے کے بعد جب فون آیا ہے تو لا محالہ ہم جڑے ہوئے ہیں بہت ساری چیزوں سے وہ الگ نہیں ہو سکتا مٹی کا رشتہ توڑ ہی نہیں سکتا تو وہ خوبصورت دن وہ یادیں تازہ کرنے کے لیے اور کیا ہوتا تھا کیا ہم کر رہے تھے اور کہاں پہنچے تو یہ ساری چیزیں مجھے خوبصورت لگتی ہیں کہ اپنے زہریلا مجھے تو پرانی دیواریں تک بہت اچھی لگتی جی ایمانداری اب وہ شہر آج جیسا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ لائل پر میں آئے یار وہ میں ڈرتا ہوں لائل پر آنے میں کہ وہاں آ کر میں کس سے ملوں گا آپ لوگ مصروف نہ ہوں یار مجھے تم ایک بات بتاؤ یہ جب پارٹیشن ہوئی تھی اور مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان میں سے تو کئی پیدا بھی وہی ہوئے پارٹیشن کے بعد سب کچھ یہی ہوا تو لیکن وہ بھی وہاں جائے تو ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں یہ مٹی ایسا رشتہ جی جی مٹی اپنے شہر کی درو دیوار سے ہی مل لینا یار تمہارا بچپن گزرا مجھے تو پرانے گھر تک بلاتے ہیں یہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ پرانی دیواروں سے باتیں کر کے بھی خوشی ہوتی ہے تو وہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو یاد کیا کرتے ہیں نہیں انشاءاللہ یہ اب جو ہم پہ ایک آفت آ چکی ہے
हाँ होना ये चाहिए। तो आफत है बिल्कुल। जब इसके बाद इससे फारिग होंगे तो इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा, जी जी जरूर मैं जरूर जरूर। आऊंगा और इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आपसे एक सवाल है, शहजाद बेग साहब भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। तो जरूर जरूर। स्टार्ट करने के लिए कि हर कलमकार को जबरो इस्तेहसाल का इदराक होता है, सवाल ये हर है, कलमकार हो हर कलमकार को जबरो इस्तेहसाल का इदराक होता है, सवाल जी ये है कि हर कलमकार उसका खुलकर इजहार क्यों नहीं करता? वो कलमकार ही नहीं होते हैं जो खुल के इजहार नहीं करते। जो कलमकार होता है वो तो इससे रह ही नहीं सकता है। उसके कलमकार होने पे शक है, वरना कलमकार तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो चुप हो जाता। नहीं, आप क्या समझ। अच्छा मकसूद वफा साहब, ये बताएं, शायर अमूमन इनकार के भंवर में गिरा होता है, एहसास व इदराक की जेरे सिता लहर उसे यकीनन मुजतरब करती है, वो फितरत की दूसरी तरफ की परत को भी देखता है और लोगों को उसके उसकी तरफ आने की दावत भी देता है। जैसा कि आपने कहा है कि हर कलमकार को जबरो इस्तेहसाल के खिलाफ लिखना चाहिए, क्या आप कह सकते लिखता हैं है, कि हर लिखना कोई तो लिखता है? वो लिखेगा, यानी नहीं, कब लिखेगा? नहीं, वो अगर शायर अदीब हो तो लिखेगा। ये अलग बात है कि एक कहतो रजाल है। हम जिन लोगों को अदीब और शायर समझते हैं, शायद वो अदीब और शायर नहीं है अदीब सतह के, जहाँ पे ये इदराक हो सारी सच्चाई का। ये क्रिएटिवनेस असल में जो तकलीकी जो कुवत है वो करती क्या है, वो करती यही है कि आपको पहचान करवाती है सच्चे झूठी चीजें, जब जुल्म, इससे आपकी पहचान होती है। तो जी मुझे लगता है कि हम वो पहचान अभी खो बैठे हैं। तो ये सुकरात से लेके अब तक इतनी सदियां जो बीती हैं, इसमें कोई 7-8 लोग ही हैं, कोई ज्यादा नहीं है, हमेशा से कम होते हैं और कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं, ये रोज नहीं। बल्कि सतह कि आप की ये कहना चाहते हैं कि जो सच चीज बोलने है। वाला है वो हमेशा अकेला से शुरू, एक से शुरू होता है और उसके साथ चंद जी लोग जी जमा वो हो एक ही जाते हैं। होता है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि लोग इस तरह से सोच नहीं रहे हैं। हो सकता है हम जानते भी ना हो, जो पता नहीं किस तरह से लिख रहे होंगे या किस तरह से वो काम कर रहे होंगे, भी उनका काम आना बाकी होगा और एक प्रोसेस में से हम गुजर रहे हैं। तो ये तो साथ साथ चलता है, कम होंगे, लेकिन ये आपकी बात ठीक है, कम है, बहुत कम। तो आप ये सुनाएं कि आज आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप शहर में भी हैं और शहर से मैं बाहर आजकल आपने तो डेरा जो इंसानों की एक्टिविटी है वो तकरीबन पूरी दुनिया में एक ही तरह की है, कि बंद है। वो एक लंबा सांस खींच के तन्हाई काटना, और इस तन्हाई में अगर आप कोई तकलीकी काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है। तो वो रूटीन, ये आज मैं बहुत दिनों, ये मेरा ऑफिस है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, तो आज माशाल्लाह, मैं यानी गाहे गाहे चक्कर लगाता हूँ, लेकिन आज मैं 1 हफ्ते के बाद ऑफिस आया हूँ। तो एक तातुल की जिंदगी है, तन्हाई भी है, ये भी है। अगर आप इसकी इसमें बहुत सी किताबें पढ़ने का मौका मिला, जी इसमें हाँ, ये बहुत फायदा सी हुआ। चीजें लिखने का मौका मिला, इसमें एक किताब मुरतब कर रहा हूँ मैं अपनी, उसको दोबारा देखने का मौका मिला। तो लेकिन एक दिल अफसरदा भी है कि हम चूंकि मजलिसी लोग थे सारे, जी, तो वो मजलिस आराई में रखना आया है। ये तो साथ आप साथ चलता है। जी हाँ, तो आप ये बताएं कि जब हम इकट्ठे थे उस वक्त आप गजल, गजल तो खैर आप शुरू से ही लिख रहे हैं, नज्में भी लिखते थे आप नज्मों से आप नसम की तरफ कैसे आए और उसको क्यों चुना आप, नसरी नज्म की तरफ नसरी कैसे नज्म? आए? हाँ असल में ये बात वैसे हैरतनाक भी है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नसरी नज़्म लिखूंगा या इस तरह का मेरा है। लेकिन हुआ ये है कि आप शायद ज्यादा जब देखते हैं चीजों को तो वो अपनी अपना रास्ता कुछ खुद तलाश, जी
तो ये शायद हुआ है कि वो अपना रास्ता जो भी था, जिस तरह से भी था, वो एक बेसाख्तापन से ही मैंने तय किया है, जो मेरा जी चाह। यानी लोग तो मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि आप, कई कहते हैं आप गजल के शायर हैं जिस तरह से तुम कह रहे हो, कई कहते हैं आप नज्म के शायर हैं, तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। यानी मेरा जी चाह कि मैं इसमें, और मैं कर सकता था नज्म में अपना इजहार, और मुझे इसमें मजा भी बहुत आया। यानी पिछले कुछ 6-7 साल जो मैंने गुजारे हैं, जी और बाकायदा तो 3-4 साल से मेरा ख्याल है इसको बाकायदा मैंने लिखा, तो शायरी जो है वो इसको हम फॉर्मेट में नहीं ले सकते हैं। ये अभी परसों चौथ भी किसी से बात हो रही, फॉर्मेट अहम नहीं है, कंटेंट अहम है कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, वो नहीं, हाँ वो किस हाँ, लेकिन ये गहराई में कि है। अभी तक हाँ एक पूरा कोई इस सिनफ को अदब में जन शायरी के हवाले से इसको मकाम मिल गया है कि हम जैसे गजल है, आजाद नज़म है, पाबंद है, ये है वो है, तो आके देखो, इसको नसरी नज़म को, जिसको नया नाम चले नसम भी कह सकते हैं, नसम नासम नहीं नासमा ये। इसको नज्म कहना चाहिए, कोई ऐसा इसका नाम रखने की जरूरत नहीं है, शायरी हो गया शायरी। बाकी ये कहना कि इसको मिल गया है वो, तो जाहिर है इसकी स्पेस है, तो ये एक ऐसा आदमी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है जिसने तीन हाँ किताबें पाबंद शायरी में लिखी हैं, और उसको हाँ जरूरत महसूस हो रही है कि नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपना खुद है जो है वो तलाश कर लेती है, अपनी फॉर्मेशन खुद दरियाफ्त कर लेता है, कोई जी ऐसे ख्याल है, तो उनको स्पेस देनी चाहिए। हाँ ये जरूर है कि एक यानी सफर गो इसका बहुत देर से शुरू हुआ हुआ है, तकरीबन उर्दू में तो 150-100 साल से भी पुरानी यानी इस सिन पे गुफ्तगू होती रही है, और बहुत मुकम्मल गुफ्तगू है। मैं पहले भी बताता हूँ कि 60 की दहाई के जो लोग इसके बारे में राय कायम कर चुके थे, जो उन्होंने बहसें की थी, वो मुकम्मल हो चुके हैं। हाँ ये जरूर है कि इसमें गैप के साथ शायर आए, सारा शगुफ्ता आई, फिर खाली, फिर मालूम हुआ नहीं और लोग भी लिख रहे हैं। कमर इसको नुकसान, तुम्हारी जमील बात ठीक है, इसको नुकसान जो पहुंचा है ना नसरी नज्म को, वो नसरी नज्म लिखने वालों ने पहुंचाया बुनियादी तौर पर। तो वो बहुत से लोगों ने, ऐसे ऐसे लोगों ने लिखी जिन्हें इसको बिल्कुल उलझा के रख दिया, एक पहेली सी बना दी। कुछ लोगों को वजन बुजन नहीं आता था, उन्होंने कहा कि चलो नसरी नजम लिख लेने आया, दे इसको शायर भी बन जा। हाँ तो इस तरह की जो सानवी जरूरियात है वो शायरी बर्दाश्त नहीं करती है। शायरी वो नसरी नज्म हो, वो गजल हो, जो भी हो, जब तक आप अपना अंदर छीर कर सामने नहीं रखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि शायरी की किसी भी सिनफ में, अब देखो ना, अगर गजल बुरी लिखी जा रही है, बेतहाशा बुरी गजल लिखी जा रही है, तो जी उसमें गजल का तो कोई कसूर नहीं है। अगर नसरी नज्म अच्छी नहीं लिखी गई तो नसरी नज्म का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसके सबूत है कि बहुत अच्छी भी लोगों ने लिखी है, ऐसी कोई बात इसमें एक नया रास्ता भी मिल जाता है नए लिखने वालों को, जरा है। हाँ हौसला जब अफजाई तक मिल ये जाता। आप नए, ये हमेशा से होता रहा है, एक नया रास्ता आप तला, लेकिन आप कितनी तख्लीकी हैसियत है, किस तख्लीकी हैसियत के साथ आप लिख रहे हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो जनाब, आप कलामे शायर, बज़ुबाने शायर, तो कोई चीज़ पेश करें जनाब आप, फिर जी जी मैं उसके बाद जरूर सवाल करते हैं आपसे। पेश करता हूँ। लो एक नज्म सुनाते हैं तुम्हें, जब से हम जी शुरू हुए थे लालपुर की गलियों में जी और यहाँ के शबिस्तानों में अपने दोस्तों की मजलिस आरई में, जब वो मुझे याद आती है तो एक नज्म मेरे जहन में आती है, मैं जी सुना देता हूँ। ये पहली किताब दर इम्कान में थी, जो तुम्हें हाँ पता है कि पहली किताब कितनी बड़ी महबूबा होती है इंसान की। अपने आवारा मिजाजों से कहें, जी रोक लें खुद को जरा देर यहीं और सुने, पुश्त वाह वाह पे उड़ती हुई खाक में अपने किस्से, वाह और सोचें कि कहाँ रखा है अंजाम सफर, वाह 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 और आगाज कहाँ रखा
वाह वाह वाह, अपने आवारा मिजाजों से कहें रोक ले खुद को जरा देर यही और सही, पुश्त पे उड़ती हुई खाक में अपने किस्से और सोचें कि कहाँ रखा है अंजाम सफर और आगाज कहाँ रखा था, अपने आगाज से अंजाम के माबैन कहाँ हैं हम लोग और क्या है कि जो अपना है यहाँ, एक ये हाल के जो आया नहीं, एक फर्दा के जिसे दोस्त बथर करते हैं, एक माजी के जिसे आना है, बस यही कुछ है जिसे देखे बिना आंख पे पट्टी बांधे जाए जहां से किसी रोज गुजर जाता है। वाह 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 वाह, हाँ जी जी। तो जनाब ये बताएं कि अब आजकल ये दुनिया में हल्का अरबाब शौक की बड़ी धूम मची हुई है, क्या वजह है? हमें यार पता चलता रहता है मीडिया की वजह से कि हल्का अरबाब फलां जगह भी है, फलाना फलां जगह नहीं, फैसलाबाद की, फैसलाबाद की खास। हाँ, फैसलाबाद में एक तो इन बच्चों ने इस कोरोना की बीमारी से पहले जो अब काम कर रहे हैं उन्होंने ये किया था कि वो लाइव अपना दिखाते थे, उसमें अगर तुम सुन रहे हो तो तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑनलाइन भी ले लेते थे, तो सारी कार्रवाइयां भी उन्होंने नेट पे डाली। इसके अलावा ये जो सेक्रेटरी है अरशद अजीज साहब, ये बहुत जुड़े हुए हैं लिटरेचर के साथ, अच्छा, और सच्चाई के साथ, तो ये तुम्हें पता है कि तंजीमों में काम करने के लिए कामयाब तंजीम वही होती है जिसमें आपका बुनियादी नुक्ता नजर अदब हो, जी 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 उसमें दुनियादारी शामिल ना हो, वरना तो ये वलीमा टाइप पूरी दुनिया में मुशायरे होते हैं ना, कौन जी जी जानता है कि क्या हो रहा है, यानी एक बिल्कुल तमाशा है उस तमाशे में। लेकिन जिस तरह से अब तुमने ये कहा कि हल्का अरबाब ज़ौक कर रही, ये हमेशा है लालपुर में, हमेशा हल्का अरबाब ज़ौक कहा था, तो ये फर्क बुखारी साहब जॉइंट सेक्रेटरी हैं उसमें? नहीं, अरशद अजीज साहब है आजकल सेक्रेटरी, हाँ जी, और एक बाबर अली असद एक अच्छा शायर है नौजवान बहुत एनर्जेटिक, वो उसका जॉइंट माशा, सेक्रेटरी। हम जैसे लोगों को उन्होंने रखा हुआ है मजलिसे आमला में, हम ठीक है। तो उनकी मोहब्बत है, ये मोहब्बत है उनकी, वरना तो वो जो मतलब असदुल्फा यार, वो एक बहुत अच्छा जमाना होता था कि रात को चिन्नौर बाजार में बैठना, और फिर वो फजल हुसैन राही का भी आना, और समीउल्लाह उर्फी मास्टर इकबाल, और ये सारे लोग यार, वो जाफरी पान थे, और फिर सारी रात वो गढ़ था ना, वो इधर महफल होटल था, थ्री स्टार था, आलम काफी हाउस था, सामने की चेयर पे चाय पीते थे लोग, सारा चिन्नौर बाजार भरा होता था गोल पर। जी हाँ, आजकल भी वैसा ही है। आजकल असल में पता क्या होता है साबर रजा, हम ये कहते रहते हैं वो नहीं रहा, वो नहीं हो रहा, ये दुनिया अब भी उसी तरह से है, उसी तरह से चाय खाने हैं, असल में हम कहीं चले जाते हैं खुद, अच्छा हम निकल आए हैं तो दुनिया तो वैसे ही हम चल कहीं रही चले है। जाते हैं। बाकी दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना हम होंगे कोई हमसा होगा, तो ना हमें अपना दौर याद रहता है, लेकिन उसके बाद हम देखते नहीं है, दुनिया उसी तरह से चल रही होती है। अब ये सड़क मैं यहाँ बैठा हुआ रुकी नहीं है, वो बसें गुजर रही हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग हंसते खेलते जा रहे हैं आ रहे हैं, यानी उसी तरह से कोई चीज हमारे गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, वो होते रहे, वो होते रहे। मकसूद वफा ये बताएं कि वो आप एक नजरियाती आदमी हैं, और नजरियाती हमारी कदर मुश्तरक भी यही है कि हम एक ही स्कूल ऑफ थॉट से हैं, तो क्या वो काफिला रुक गया है या फिर वही है कि हम खास तौर पर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हदिया जी। उस वक्त के बाद ना तो इस मुल्क में कोई राइटिस्ट रहा है ना कोई लेफ्टिस्ट रहा है, जी एक बंदा इस मुल्क में है जिसका नाम अपॉर्चुनिस्ट है, वो सियासत में भी वही आगे आगे, वो अदारों में भी वही बैठे हुए नजर आते हैं, अदीबों शायरों में भी वही नजर आते हैं, सब
मैं नहीं समझता कि हाँ, लेकिन एक और बात है, ये क्यों हुआ, ये एतमाद टूटने की वजह से, जो हम वो नजरियात जो हम 70s के आखिर में जीते थे, हम तो छोटे थे, बहुत बच्चे थे, लेकिन उसके टूटने के बाद मुझे लगता है कि दुनिया को अब किसी नए रास्ते की जरूरत है। यानी नजरियात कोई हर दौर के लिए जो है वो एक से नहीं रहते, अमेंडमेंट होती है। देखो ना, यानी जितना सफर अभी हमने गुफ्तगू में किया है अभी, तो ये तो जमीन घूम घाम के पता नहीं कहाँ पहुंच गई है। एक चेंज आती रहती, वो नजरियात में भी आती, जी ठीक उसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें तो है, बड़े आप बड़े मजहब में, बशमूल इस्लाम में इश्तहाद भी इस का तरह लफ्ज़, का हाँ रास्ता हाँ रखा गया हुआ है कि आप उसको तब्दील करें, वरना जो चीज रुक जाती है एक जगह पे, जौहड़ बन जाती है। तो जी हमारी जिंदगी इस वक्त जौहड़ में गुजर रही है, जहाँ कोई मुख्तलिफ आवाजें हैं, अगर हम कोई ख्वाब भी देखने लगते हैं या कोई हमें दिखाता है तो उस पर हम यकीन करते हैं, तो वो अगले ही दिन तोड़ देता है वो ख्वाब सारे। यार ये यानी ये ऐसा आलम है तो आपकी जिसमें जलाली कैफियत मैंने आप फेसबुक पे आपकी पिछले दिनों देखी है कि जब आप कह रहे थे खुदा के लिए खुदा को चीज भेज, वो तो मैं देख चुका वो तो चलता रहता है ना, एक जब आपका ख्वाब टूटता है, आप तड़पते हैं, लोगों ने उसको किसी और हवाले से लिया है। मैं सियासी आदमी नहीं हूं ना, मुझे सियासत हूं। पसंद है, जी बिल्कुल सही, मैं सियासत के ऊपर देखने का आदमी हूं कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये कोई ऐसे लोग नहीं होते सियासत जिनकी आप चापलूसी करें, ये सियासी लोग कोई, ये इनको आपके मशवरों पे चलना चाहिए। अब ये देखो कि कौन सा ऐसा दानिश्वर है जो जो किसी पार्टी में भी जिसकी जगह हो, बताओ मुझे, ये क्या कौन सा ऐसा दिमाग है जो किसी सियासी पार्टी को चला रहा कोई हो, भी नहीं, किसी भी सियासी पार्टी को, किसी भी पार्टी में नहीं, सिर्फ वो तकरीर लेकर दे देते हैं, वो पढ़ लेते हैं। मतलब ये है कि हत्ता कि आप अपना फैसला फैसले नहीं कर सकते जी, इस मुल्क में, तो उसमें क्या तब्दीली आएगी। और इसके अलावा जो ये लोग ख्वाब दिखाते हैं सियासी लोग, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में इन्होंने कोई एक ख्वाब भी पूरा किया है। सब जी सबको कह रहा हूँ मैं, हाँ कुछ पर्सनैलिटी सियासत में ऐसी हैं जिनसे हम जरूर मुतासर हैं, लेकिन जो सियासी इनका इन लोगों रवैया का है तरीका है, या कार रवैया, है, हाँ वो एक ही है। मुझे तो लगता है अभी तक जनरल जिया पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा जी, है। सिंपल बात, इससे ज्यादा मुफस्सल और मुख्तर इतनी इतनी जवाब मैं सर इससे आपको नहीं ज्यादा दे आपको बात सकता। कर नहीं सकते जितनी आपने कर दी। हाँ हाँ मतलब जियाउल हक हुकूमत कर रहा है, ये मैं फिर कह, तो तो उसमें क्या तब्दीली आएगी, ये सोचने की बात है दानिश्वर के सोचने। वो लोगों को तालीम करे, आप अपने आप पे क्यों नहीं एतमाद करते। आप जरूरी है कि इनके हर बार झंडे उठा के निकले, कभी अपना झंडा उठा के भी बाहर आए। आप देखें आप में से कौन सोच समझने वाले लोग हैं, ये सोचने समझने वालों का काम जी ये, और जिस तरह से बना दिया गया है, जिस तरह से बेहिसी है, जिस तरह से लातालुकी है, लगता है कि पाकिस्तान में तो हुकूमत ही कोई, ये मैं यहाँ रह रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे। मुश्किल बात है लेकिन मैं कर जाता हूँ, मुझे मुझे एक दर्द होता है, मेरे जी एक दुख है होता है जिसके लिए मैं बोलता हूँ, तो वो उसका इजहार करने में कोई मजायका नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी और सियासी पार्टी से, मैं अपने साथ हूँ, मैं आपके साथ, जी मैं अपने लोगों के साथ, मैं अपनी स्मृति के साथ, जो सबसे ज्यादा अहम है वो ही जी बात हाँ है। जी, मकसूद वफा साहब, रुबाब तबस्सुम साहब अभी इस्लामाबाद से तशरीफ ले आई हैं, ये जी जी मकसूद जी वफा साहब हैं और सलाम मेरे अलैकुम, हमारे बहुत ही वालेकुम प्यारे दोस्त, अस्सलाम, बहुत अच्छे शायर और जदीद गजल नज़म नसम और बहुत प्यारे आदमी हैं, और फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, और ये रुबाब तबस्सुम साहिबा हैं इस्लामाबाद से, ये पार्लियामेंट हाउस में जी हैं, आदाब अर्ज़ तो और शहजाद बेग साहब तो माशाल्लाह जी। जानी शहजाद पहचानी बेग साहब शख्स, खामोश बैठे हुए हैं बड़ी जानी देर से। पहचानी शख्सियत हैं शहजाद बेग हाँ क्यों साहब, नहीं, तो तो ये कहाँ है, ये इनका पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ शहजाद है, बेग साहब मुझे आपकी आवाज, शहजाद बेग म्यूट साहब है। आपकी आवाज, मेरे शहर का एक ऐसा शायर आपके सामने पेश है, तो मैंने इसलिए जरूरत नहीं महसूस की कि मकसूद वफा के होते,
मैं को बात करूं, मैं समझता हूं कि आपने आज जो इस शख्सियत का इंतखाब किया है बहुत ही खूबसूरत इंतखाब है। मकसूद वफा मेरे शहर का हुसन है। इन्होंने उर्दू गज़ल और नज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। इनका जो अदबी परचा फिरनिश था उसने भी हमारे शेर अदब के हवाले से पूरी दुनिया में फैसलाबाद का नाम रोशन किया है। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप इनसे, आप भी क्योंकि हमारे बाद आप थे जो इनकी रिपोर्ट लिया करते थे, तो आप कुछ सवाल करना चाहें, आप कुछ सवाल करना चाहें नज़म के हवाले से, उर्दू नसम के हवाले से, नसरी नज़म के हवाले से, नज़म के हवाले से, गजल के हवाले से, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप फनकार वाबिज़ौ की नशिस्तों में 80 की दहाई में और 90 की दहाई में उर्दू नज़म जो थी, नसरी नज़म जो थी, इसको सिरे से ही तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन आप फिर इसके बाद खुद इस तरफ आ गए, इसकी मैं वजाहत चाहूंगा। नहीं, मैंने कभी भी मुखालफत नहीं की, बल्कि अगर आपको याद हो तो हम बिल्कुल नए थे 83 में, तो मैंने स्पेशल सारा शगुफ्ता को कराची से बुलवाया था और 3 स्टार में उनके लिए एक नशिस्त की थी। ये आपके आने की से पहले की बात नहीं, ये वो इसके अलावा मैंने हमेशा हलकार बाबे जौक शुरू हुआ था शुरू में, यानी मैं सेक्रेटरी नहीं था, लेकिन मैं उनको बुलवाने में उस वक्त कोई और सेक्रेटरी था, मुझे नहीं याद कौन है, दोस्त थे सारे। हाँ। वहां कोशिश करते थे कि जो भी मेरे ख्याल में उस वक्त या तो कौसर अली थे या फिर नजर नहीं, कौसर अली नहीं थे, ये कोई और शबीर कादरी थे या कौन थे, शबीर कादरी और हमीद शाकर दोनों इकट्ठे होंगे ना। हाँ, ये होंगे। तो वो फिर हम करते थे कि यार अगर दोस्त चला रहे हैं तो इनके साथ मिलके हमें, तो नसरी नज़्म का कभी मैं मुखालिफ नहीं रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं कभी कहा था कि मैं इसको लिखता हूँ, या ये तो हिस्टोरिकली गलत बात है कि मैंने 80 की दहाई में या कोई, हाँ अगर, बल्कि इस पे मुबाहसे भी रखवाए हमने। तो ये क्वेश्चन असल में, आप जब ऐसी तख्लीकी चीजों से इनकार करते हैं तो शायरी के इम्कानात से इनकार है, इसका इनकार बनता ही नहीं। नसरी नज़्म में पहले कहता हूँ कि ये जो हमने बनाए असूल व ज़वाबत, ये तो बाद में बनाए होंगे ना, कि ये बहरें ईजाद कर ली, अंग्रेजी वालों ने स्कीम ईजाद कर ली, यानी उस पर काम हुआ जो निसाबी नवीयत का था, और फिर असूल बने कि आप, लेकिन शायरी इन असूलों में नहीं आती, शायरी असनाफ की कैद में भी रहने वाली चीज है। और ये आपने देखा, यानी हम शुरू हुए थे मसनवी और कसीदा और क्या क्या, और आहिस्ता आहिस्ता ये शायरी जब मीर तक पहुंची है तो इसमें सारी जिंदगी सिमट चुकी। उसके बाद गालिब ने एक और बड़ा नाम आया जिसने गजल को, उसके इम्कानात को रोशन किया। तो सिंध के अंदर और सिंध से बाहर शायरी के इम्कानात हर जगह मौजूद है, हर जगह, जिनसे मैंने कभी इनकार नहीं किया, कभी भी इनकार। तो मकसूद वफा साहब जी सर, क्या हाल चाल है आपका? सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, ये सारा कनेक्ट करते हुए। जी, आपको उर्दू टाइम टीवी यूके में खुश आमदीद। अच्छा लगा, अच्छा है कि फैसलाबाद वालों से तो पहले भी है, तो मैं भी फैसलाबाद हमारे रिलेटिव्स भी हैं काफी, तो मेरी बहन भी वहीं पे आई हुई है, तो बड़ा एक फैसलाबाद वालों के साथ है। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि मौजूदा अदब मुआशरे में कोई बड़ी तब्दीली ला सकता है, या अदब में कोई तब्दीली लाने की जरूरत है? अदब, यानी ये तो इनकार कभी भी किया नहीं जा सकता कि अदब तब्दीली ला सकता है कि नहीं ला। अदब तब्दीली लाता है, इसमें तो जाहिर है कोई इनकार की गुंजाइश। अच्छा, तब्दीली क्यों नहीं आ रही होती है? कुछ लोग कुछ अरसे के लिए ऐसे अदब में आ जाते हैं जिनको इदराक नहीं है कि अदब क्या कर सकता है, या शायरी का मनसब क्या है, या खुद शायर का मनसब क्या है। अच्छा, उसमें अदब का तो कोई कसूर नहीं है, आप लिखने वालों का कसूर है। आप लो प्रोफाइल पे जाके कंप्रोमाइजेस करेंगे तो आप कैसे तब्दीली ला सकते हैं? ये अदब का कसूर नहीं है, अदीब का कसूर है तब्दीली ला। तो जहां कोई आवाज, जहां कोई सच्ची आवाज जिसने अपने आप जो आपको कमिटमेंट के साथ कोई भी काम, मेरा नहीं ख्याल कि वो तब्दीली नहीं ला सकता। यानी
एक जेल में पड़ा हुआ जो उस दौर में भी एक आदमी था ना अबीब जाले, तो दो मिसरे लिखता था तो सबकी नींदें उड़ जाती, क्यों उड़ती थी? ये कि वो उसने खुद कुछ नहीं लिया, वो सड़क पर फिरता था और सड़क पर फिरता रहा। उसने उस निजाम का हिस्सा बनने से सिर्फ अपनी शायरी में भी इनकार नहीं किया, बल्कि उसने अपने अमल से ये दिखाया है। तो शायर का वो अमल कहाँ है सबसे पहले, या अदीब का वो अमल कहाँ है? हम तो छोटे छोटी चीजों के लिए कंप्रोमाइज करते हैं, हम तो एक मुशायरे के लिए कंप्रोमाइज करते हैं। तो उस दौर में इस तरह के लोगों से तब्दीली की तवक्को करना मेरा ख्याल है मुश्किल है, अदीबों की वजह से। वरना कोई भी, ये नहीं है कि लोग नहीं है, बड़ा बड़ा आला लिखने वाले लोग हैं और उनसे तब्दीली भी आती भी है और उनका लोग नोटिस भी लेते हैं। अगर हम देखें, और हर बंदा सोचता है, जिस तरह से आपने ये सवाल किया है कि तब्दीली ला सकता है, इसका मतलब है कि आपके जहन में एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये लोग क्यों नहीं तब्दीली, दुनिया के अगर बड़े बड़े अदीबों ने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया है तो क्यों, यानी इस सब कॉन्टिनेंट में भी एक शायर के खाप की वजह से। तो हम तो वजूद में ही एक शायर के ख्वाब की वजह से आए, एक शायर ने देखा ना ख्वाब, बिल्कुल सियासी लोगों को तो बाद में खबर हुई। तो बिल्कुल अदीब अगर अच्छा हो तो अदब क्यों तब्दीली नहीं ला सकता? फ्रांस में देख रहे हैं, रशिया में देख रहे हैं, चाइना में देख रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल थे लोग, सियासी लोग नहीं थे, ये दानिश होते, उनमें दानिश थी, उनमें दिमाग था। तो मकसूद वफा साहब, अब आप अपना कलाम सुनाइए, क्योंकि मैं आज मौका हैगा ना तो सुन लिए भरा को रज के। नाम को गुमनाम करने आ गए, नाम को गुमनाम करने आ गए, पुख्ता कारी खाम करने आ गए। वाह वाह वाह, नाम को गुमनाम करने आ गए, कारी खाम करने, वाह वाह वाह, पुख्ता कारी खाम करने आ गए। वाह, शुक्रिया बेकार जाती जिंदगी, शुक्रिया बेकार जाती जिंदगी, हमको भी कुछ काम करने आ गए। वाह 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 वाह, नाम को गुमनाम करने आ गए, पुख्ता कारी खाम करने आ गए, शुक्रिया बेकार जाती जिंदगी, हमको भी कुछ काम करने आ गए। वाह, वो जिन्हें तहजीब ख्वाहिश तक में, वाह, वो जिन्हें तहजीब ख्वाहिश तक न थी, ख्वाहिश तक नहीं, वो जिन्हें तहजीब ख्वाहिश तक नहीं, आशिकी में नाम करने आ गए। वाह 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 वाह, वो जिन्हें तहजीब ख्वाहिश तक नहीं, अच्छा वाह वाह वाह, आशिकी में नाम करने आ गए। वाह वाह, जिस गली में सुबह ना आई हमें, वाह, जिस गली में जिस गली में सुबह ना आई, उस गली में शाम करने आ गए। वाह 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 वाह, जिस गली में सुबह ना आई, बात है बहुत अच्छे मकसूद, वाह 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 वाह, उस गली में शाम करने आ। एक आध और शेर होगा वो दिन में नहीं है, मैं और गजल सुना दे। हाँ और सुना दें। मिसराए सानी उठाया उसने, मिसराए सानी उठाया उसने, जो कहा मैंने सुनाया उसने। अच्छा अच्छा, मिसराए सानी उठाया उसने, जो कहा मैंने सुनाया उसने, रख लिया मैंने तो पत्थर दिल पर, क्या किया होगा खुदाया उसने। वाह 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 वाह, रख लिया मैंने तो पत्थर दिल पर, आहा, क्या
क्या किया होगा खुदाया उसने, क्या किया होगा खुदाया उसने। यार भूल रहे हैं मुझे, शेर भूल रहे हैं। अच्छा मकसूद वफा साहब, ये बताएं कि शायरी के मजाज में उम्र के साथ साथ फर्क आ जाता है, इसमें नरमगी का इजाफा हो जाता है, लेकिन आपकी शायरी में, आपकी गजलों में भी और नज्मों में भी जुर्रतमंदाना इजहार मिलता है, क्या वजह है? आप अभी तक वैसे के वैसे ही? यानी ये भी जुर्रत है। अच्छा, यानी उसमें अभी तक वो जिद्दत भी है, बाल यार कम हो गए, बाल कम हो, शक्ल से कम हो, ये बड़ी मुसीबत है। और उस जमाने में तो आपके भाई ऐसे हाथ भी कम। इसमें तो आपने कंट्राडिक्शन की अपने सवाल में, आपने कहा कि बदल जाती हैं चीजें, लेकिन मैं वैसे का वैसा नहीं रहा। अच्छा, वो जो मैं था वो अब नहीं हूं मैं, ये मगर कोई वाकया तो नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, मैं पता नहीं कहां कहां से बदल चुका हूँ और कहां कहां से मेरे जिससे लिखे। और ये होता है शायद यार, मैं बहुत और तरह से जिंदगी को गुजारा है मैंने, बहुत क्लोज, बहुत गुर्बत के दिन बेइंतहा, यानी मैं उसको फखर समझता हूँ वो दिन जो गुजारे, और बहुत मुश्किलात, फिर एक यतीमी, उसके बाद फिर भी आपका जिंदगी में शामिल रहना और सच्चा, मुझे इस जिंदगी ने सिखाया है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह, यानी दुनिया जिस चीज की भी ख्वाहिश करती हो, जिस चीज की ख्वाहिश की जाए कमोबेश मिल रही है। तो ये तब्दीली तो जिंदगी में है ना, लेकिन वो थस जो एक प्यास अंदर है, जो सरासर शायद वो इजहार की प्यास है, वो कहने की तड़प जो है कि वो उसी तरह से है, वो उसमें कोई कमी वाकई नहीं है। तो अच्छा लगता है, लोगों का भी प्यार है, बहुत मोहब्बत है। यानी आप लिखते ही अच्छा हैं तो लोग आपसे प्यार करते, बहुत ही वो बेहद प्यार मिला है मुझे, ये भी रिग्रेट नहीं। मैं मुझे और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं, आपकी शायरी से प्यार करते हैं। कि ये और उन लोगों ने जो जानते हैं कि शायरी क्या होगी, तो और क्या चाहिए इसमें, बाकी जो अंदर का जो एक तूफान है, जो अंदर की एक कसक है, जो पूरा, यानी मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहना पा, यानी मैं क्यों आ जाता हूँ नसरी में, वो एक बपूर है। और ये जो मेरा एज स्पैन गुजर रहा है, ये जो उम्र का हिस्सा गुजर रहा है, इसमें तो यार बहुत तूफान मचा हुआ। एक तो हमारे सारे जो हीरोज थे वो गिर के हमारे पैरों में रेत की तरह थे, मुकम्मल तौर पर बिखर चुके हैं, देर ही नहीं लगती है। मतलब पहले तो लगता था ना कि 20-25 साल के बाद पता चलता था कि कौन हीरो है, अब तो 2 साल में पता चल जाता। तो ये सारी चीजें बहुत तकलीफ दे है ईमानदारी, इससे कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो सारी चीजें जो आप सोचते हैं कि जो एक शायर का मनसब है सोचना, यार हम क्यों नहीं इस मुल्क में तब्दीली लाते, जो सियासी सतह की भी हो, जो उससे बढ़कर फिक्री सतह की भी हो। और खास तौर पे जब मैं अपने शायरों अदीबों को, जो नामवर लोग हैं, उनको जब मैं लो प्रोफाइल पर जाके कंप्रोमाइजेस करते देखता हूँ, ये मैं जरूर कहता हूँ, ये मुझे मेरा दुख है कि शायर अदीब को इस तरह से नहीं, शायर अदीब पे क्यों गबन का इल्जाम लगे भाई, शायर अदीब पे भाई आप उसकी राय से इख्तलाफ करें आप हैं, लेकिन उस पर यह इल्जाम लगे ये पैसे खा गए, ये इल्जाम लगेंगे आपके यार, तो वहां क्या रह जाएगा। तो ये जरूरत है कि हम इस चीज को, जो शायर की इज्जत है इस सोसाइटी में, वो आपने क्यों बर्बाद करके रखी थी, और कुछ शायरों और अजीबों का हिस्सा है उसमें, उस पर मेरा दिल दुखता है, उस पर यकीन करो मैं बहुत अफसरदा होता, बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोई मकाम, ये कोई मंडी नहीं है, ये कोई आप आड़त पे नहीं बैठे हुए हैं, ये कोई आप कारोबार नहीं कर रहे हैं, ये कोई आप मल्टी नेशनल कंपनी नहीं चला रहे हैं कि आप
इस तरह से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और नजर आता है कि ये बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कोई काम नहीं हो रहा। ये खरीदो फरोख्त है, एक बाजार है जिसने अपनी अपनी छाबड़ी लगाई है, वो एक बड़ा सा उनको मौका मुहैया करते हैं। हर आदमी छाबड़ी उठा के वहां चला जाता है, कोई बर्फी बेचता है, कोई लड्डू बेचता है, कुछ भी बेच देते हैं वो। मदारी अपना रस्ते पे चल रहा है, किसी की पटारी में सांप है ही नहीं है, वो बगल से निकल रहा है। ये सारी चीजें जो है वो और मैं ईमानदारी की बात है, पता नहीं मुझे क्यों गुमान है कि मैं कामयाब होगा इंशाल्लाह। मुझे यानी मैं बड़ी सख्त बातें भी करता हूँ अब तुम, लेकिन सुन लेते हैं, इसलिए कि अभी किसी को मेरी नीयत पे शक नहीं। बहुत यानी मैं, मुझे गिला भी नहीं है, लेकिन मैं ये मासूम लोग भी हैं यार, हम भी तो ख्वाब देखना शुरू हो जाते हैं। ये सारे ख्वाब देखते हुए कुछ कच्ची पक्की नींदों में जो ख्वाब देख रहे हैं अपनी तकलीफों के अजाले के लिए, कोई किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए, यानी हम इतने बैक वक्त इतनी चक्कियों में पिसे हुए हैं कि उससे निकालना, उससे निकलने का सोचना, ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो कसूरवार तो होंगे ना। बस कर दें आप, बहुत हो गया, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बस हम ये पता किससे लेते, ऐसे ही एक शोशा सा छोड़ दिया जाता है सोशल मीडिया पे, तो उसको अब यानी लाइक्स आ गए हैं जी, इतने लाइक्स आ गए हैं, हम शायर हो गए यार। वो तो ऐसी वीडियो पे तो वो जो बच्चा नहीं है पिशावर का, जो जिसकी बड़ी मशहूरी हुई है, पीछे देखो पीछे, तो वो बना ले आप, 4,000 लाइक्स आ जाएंगे। हाँ, तो वो बना ले इससे। साढ़े यार माही दी चुकी थे मुंडे ने केड़े स्कूल थी तब। हाँ, वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे शहर के, यहाँ से वो ज्यादा जानी, ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्यों उसके काम पे बेचारे पे लात मारने के, आप मुशायरे में आके जो है ना आग के गोले से निकलने के लिए छलांग मार, आराम कर ले, सुकून कर ले प्लीज। ईमानदारी की बात है, ये तहजीब नहीं है। वो जिन्हें तहजीब ख्वाहिश तक नहीं, आशिकी में नाम करने आ गए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, माहौल खराब होता है और नुकसान पहुंचता है अदबी इकदार, नुकसान पहुंचता है वो किसी भी तरह से हो, वो किसी भी तरह की गैर संजीदगी, वो कुछ भी आप कर रहे हैं वो नहीं है। अब ये देखो तुम्हारी मेरी गुफ्तगू हो रही है, इसमें अब हम लाइटों के चमके मारे हैं एक दूसरे पे, है तो बनता है, तुम म्यूजिक छेड़ दो कोई बड़ा ना, ने, ने, ने। तो उसके तुम क्लिप बना के लगाने शुरू कर दो उस शायरी के, तो ये कोई आप अपना यार लोग आप अच्छा जो अच्छा काम पड़ा है वो जाके देखो वो कितना काबिल कदर काम है। सोशल मीडिया पे भी अगर काम कर देखें, बड़ी बड़ी जो वेबसाइटें हैं पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, वो कितना इल्मी अदबी और फिक्री काम कर रहे हैं, आप यार वो करें, और उनके लाइक्स बहुत ज्यादा हैं आपसे, वो वायरल नहीं होती, वो हर वक्त मौजूद रहती है। हाँ जी हाँ, वो तो एक जिंदा हर है, वक्त मौजूद रहेगी। हाँ। वो हर वक्त आपका सुनने को दिल करेगा, ये नहीं होगा मौसम आया और गया और ये, जैसे हम सुल्तान बाहू का कलाम और जब गुलाम अली की आवाज में आज भी सुनते हैं, तो जब भी जरूरत हो हम उसको ऑन कर देते हैं। नहीं, नए लोग भी गाएं, मैं नए लोगों को मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी एक तहजीब और जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है जनाब, आप गाएं बिल्कुल, नए लोग बड़ा अच्छा भी लिख रहे हैं जी। हाँ, बहुत प्यारा प्यारा लिख रहे हैं, बड़े संजीदा लोग हैं जिनपे उम्मीद की जा सकती है, बेशुमार लोग बड़ा अच्छा, वो जो आगे का रास्ता है वो नहीं चाहिए कि वो उनके लिए हमवार होना चाहिए, वो लोग आसानी से सोच सकते, आसानी से। अच्छा वफा साहब, ये बताइए कि आपका नजरिया इस शेर क्या है? देखें, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है नजरिया शेर समझने, जिंदगी किस तरह की है,
जो मैं गुजारता हूँ, सबसे अहम बात। अच्छा, मतलब जो इकबाल कह रहे थे, उन्होंने जो जिंदगी में तजर्बात, अच्छा वो तजर्बात तकनीकी सतह पर जब पहुंचते हैं तो जिंदगी ही पेंट हो रही होती है। ऐसा आपने जिस तरह की जिंदगी गुजारी वो आपको नजर आए, क्या हाल था? गालिब ने दिल्ली के आखिरी दिनों में उसकी हर तकलीफ, उसकी शायरी में, उसके खतों में, हर उनकी उर्दू में, उनकी मुहावरों में, उनका उनकी हर चीज में जो है वो जिंदगी नजर। तो शायर जो जो अच्छा शायर होता है या जिसको हम समझते हैं कि वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो वही होता है जो अपने तजर्बात को उसमें पूरी सच्चाई के साथ पिरो, वो अच्छी क्योंकि वो रेलेवेंट होगी, वो समझ में आ रही होगी कि मसाइल क्या है। मतलब मेरी शायरी का मेरे साथ क्या था, सबसे पहला सवाल ये है कि मेरी शायरी का क्या वो ही ताल्लुक है जिस तरह की सारी गजलें सारे लोग लिख रहे हैं। एक मुशायरे में जो गजलें पढ़ी जाती हैं या आम तौर पे जो चीजें उनके नीचे से नाम मिटा दें तो पता ही नहीं चलेगा कि ये किसने लिखी। हाँ, एक ही ख्याल की गजलें हो रही हैं, मतलब वो आप उसके फॉर्मेट से लेके उसके अल्फाज तक ये खराबी पैदा हो, ये तख्लीकी खराबी जो फिर फिक्री खराबी तक जाती, जो आपको फिक्री तौर पे मैच्योर नहीं होने देती, क्योंकि आप ख्याल के पीछे नहीं है, आप लफ्जों के पीछे, आपका ध्यान दूसरी तरफ है। जब आप लफ्जों के पीछे भागेंगे तो आपको मानी अपनी जिंदगी के पता नहीं चल, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो लफ्ज अपने मानी जो है ना आता के तब्दील भी करते। ईमानदारी की बात है, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, कोई शायर में इतनी ताकत होती है कि वो अगर अपने लफ्ज को जो उस पर बीत रही है उस तरह इस्तेमाल करे तो वो माने देगा जो जिंदगी वो गुजार रहा है। ये शायर इतने इतने बड़े काम सच्चाई के साथ, तो जिंदगी जिसमें धड़कती हुई नजर नहीं आएगी, मेरा ये नजरिया है कि वो शायरी नहीं है, जिसमें जिंदगी नजर आए वो शायरी है, बाकी तो पता नहीं। वो फिर हर दौर में आते हैं, इस तरह की खेप आती है बहुत बड़ी और गुम हो जाती है। ये आप साबिर रजा को पता है, साबिर रजा कितने लोग थे लायलपुर में, यानी सिर्फ मैं एक शहर का आपको बता रहा हूँ। तो अफसोस से कई दफा कहना पड़ता है कि nobody knows even their names। हमारे सामने के लोग और अपने अपने दौर में कितने बड़े बड़े, लाहौर में तुम देखो, इस्लामाबाद में देखो, लेकिन जिन लोगों ने काम किया है वो वहीं के, वो आज भी जिंदा हैं। आप मजीद अमजद वहीं का वही है, नासर काज़मी वहीं का वही है, कितने लोग आए हैं, कितने नून मीम राशिद वहीं का वही है, मीरा जी वहीं का वही है। तो जितनी मर्जी फिल्में आप बना लें मुगले आजम तो वहीं की वहीं रहेगी, या आप उस लेवल की मदर इंडिया तो वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि उसमें जिंदगी थी और उसमें जो भी था आर्ट आर्ट था। तो ये अपनी ये खूबसूरती ये है कि अपने दुख को आप आर्ट बना, अपनी शायरी में आप आर्ट बना। तो यही शायर का काम है कि वो एक दुख को, जिंदगी को एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और जो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एक वक्त बड़ा सच्चा और बेहद मासूमियत से भी भरा होता है एट द सेम टाइम। इसको तो शायरी को तो सूफी की मासूमियत चाहिए अगर आपने कुछ कर, ईमानदारी की बात है साबर इतनी इसको चाहिए। इसमें चालाकी तो चल ही नहीं सकती, हम पकड़े जाते हैं, जाया हो जाते हैं, और वो जो करामात हमारे अंदर कुछ हम समझते हैं कि कोई बड़ी आ गई है वो भी जाया हो जाती, वो भी जाया। भाई ये बताएं कि आप बातें मैं आपके तारों में दूर गया, आप तो माशाल्लाह बहुत पुराने और आर्टिस्ट भी हैं, आप ने बहुत ज़्यादा काम किया है, आप जो तस्वीरें बनाते हैं उसमें आप किससे मुतासर हैं, आप पिकासो को फॉलो करते हैं या आप यार देखो मैं डाली को पसंद करते हैं, जो आप इतना बड़ा माशाल्लाह आर्टिस्ट हूँ ही नहीं, नहीं बहुत है यार। मेरे नहीं मैं तुम्हें सही बताऊं यार, भाई 30 साल तो मैं देख रहा हूं तुम्हारा काम कर रहे।
हाँ नहीं वो मैं करता रहना बीच बीच, लेकिन बहुत बड़ा गैप था, 25 साल का गैप था इसमें। तो ये मेरी ख्वाहिश जरूर थी कि यार मेरे पास फुर्सत हो तो मैं पेंटिंग किया करूँ, ये मेरी ख्वाहिश, जो मैं गाए गाए भी करता भी रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं किया जितना इन दिनों में किया। इन दिनों में कोई 60-70 पेंट, क्योंकि वक्त था मेरे पास और मैं उसको यूज करने के, लेकिन ये कोई आर्टिस्ट होने का दावा नहीं है, ये बहुत ये सारी जिंदगी देने का काम है, बस एक करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे रंगों में मजा आता है उसमें, जिस तरह से मैं अपनी तन्हाई में म्यूजिक सुनना चाहता जी हूँ, या मैं अपनी तन्हाई में खुद एक चाय का कप बना के अकेला किसी चीज को सोचना चाहता हूँ और खिड़की खोल के बाहर देखना चाहता हूँ, ये एक इस तरह का मेरा शौक है। और लेकिन ये बहुत ही अप्रिशिएट हुआ है, मुझे हैरत है कि यार ये इस लेवल का काम नहीं है, लेकिन पता नहीं दोस्त मोहब्बत में ही करते जा रहे हैं इसको अप्रिशिएट। तो वो ये रहा है मेरी जिंदगी में हमेशा, म्यूजिक, ये रेडियो, मुसव्वरी, ये हमेशा से मौजूद रहा है, ये आप साथ साथ करते रहते हैं वो मजा आता है मुझे। एक बाकी पिकासो को तो से की बात, वैसे मैंने सबका काम देखा है, मुख्तलिफ मुल्कों में जा जा के देखा है और स्पेशली देखा है सारी आर्ट गैलरी, जहाँ भी मैं जी जाता हूँ जरूर देखता हूँ, जरूर इधर करता हूँ, और ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे मेरी कोई खुशी है जाती। वैसे तो सारा कुछ ही खुशी के लिए करते हैं, आप शायरी भी खुशी के लिए करते हैं, और जो भी आर्टिस्ट के लिए आप सोचते हैं वो खुशी खुशी होती है बस। नहीं, ये मेरा आपके रोमांस है, रोमांस है मेरा ये सब। यानी कि ये आपका रोमांस है और रोमांस हाँ को आप, रोमांस पे आप शायरी करते हैं, तो एक आप शायर होने की हैसियत से आप मुसव्वर की आंखों से अपने शेर को बनाते हैं। नहीं, इमेजेस है कुछ, अभी कुछ काम ऐसे हैं जो मैं लगाता नहीं हूँ, वो कहेंगे यार बढ़ा की, बस यार मेरा दिल करता है खुशी किस तरह की होगी, दुख किस तरह के होते होंगे, उनकी आंखें कैसी होती होंगी, उनके बाल कैसे होते होंगे, वो एक खुद किस तरह के से सोच, एक दुख किस तरह से सोचता होगा, यानी आपको अजीब ख्याल आते हैं, तो वो चीजें मेरा दिल करता है कि वो रंगों से की जा सकती है, वो रंग उनको बता सकते हैं कि एक जो आलम सरमस्ती है उसमें किसी रोमांस का आंचल उड़ के कहाँ जाएगा, किसी दुख में आप किस तरह की चीख रंग उनके हलक से निकल सकती है, एक खुशी किन आंखों से आपको देख सकती है, ये एक एक मेरे दिल में ख्याल आता रहता है, जब रोशनी खिड़की से आती है तो मुझे ख्याल आता है कि यार इसमें कौन कौन से रंग है, यानी ये जो तुम स्क्रीन पे नजर आ, इसमें कितने ही रंग है, ये शायद मैं सोचता हूँ, तो फिर वो मैं बनाता रहता हूँ, कई दफा बन जाती है और अक्सर औकात नहीं बनती है, नहीं तो वो उसमें कुछ और कर, कई दफा शेर बन जाते हैं और कई दफा तस्वीरें हाँ बन बन जाते जाते होंगे उसमें क्योंकि हैं। जिस तरह से नहीं नहीं मैं, माशाल्लाह बहुत या अच्छा। उस उसके साथ रिलेट कर देते हैं हम लोग जी हाँ ये भी है बिल्कुल, क्योंकि अक्सर वो शायरी उसको आर्ट की सूरत दी गई, जैसे गालिब के कई जो हैं वो शेर, उन पे भी तस्वीरें बनी हैं, तो आपने अपने भी कभी किसी शेर पे इस तरह से अपनी पेंटिंग की है, कोई शेर नहीं, हो जो जो आपको अच्छा लगा पेंटिंग और है आपने कहा मैं नहीं, इसी को इस ही तरह पेंट कर लूँ? दोस्तों के लिए की है, मैंने अपना कभी कोई शेर इलस्ट्रेट नहीं किया दोस्तों। हाँ ये कुछ लोग ही, मैं पेंटिंग लगाता हूँ तो मेरे ही शेर कोई ढूंढ के मुझे कहेगा ये लगा दो साथ, तो फिर मैं लगा देता हूँ उसको, तो वो मुझे बस इस पे है, बस ये शेर है, शाम सद रंग मेरे आई ना खाने में ठहर, हाँ शाम में सद रंग मेरे आई ना खाने में ठहर, मैंने तस्वीर बनानी है तेरे गाजे से, वाह वाह तो शाम का जो गाजा है वो मैं इकट्ठा करता फिरता हूँ कि ये रंग बचा लूँ ये लगाऊं, तो वो तो जाहिर है क्योंकि वो अंदर एक जैसे ही हूँ, शायरी में भी उसी तरह की चीजें आएंगी, तो इस तरह से रिलेट हो जाता हूँ, तो वैसे दोस्तों के शेरों की इलस्ट्रेशन बहुत बन, बहुत ज्यादा अखबार में छपती थी जब शब्बीर कादरी साहब होते थे, कम से आवाम कम में है ना। अवाम में इलस्ट्रेशन हर हफ्ते एक इलस्ट्रेशन आती, तो वो दोस्तों की बनाई है, यानी 60-70 लोगों की बनाई है,
अपनी कभी नहीं मानी। मकसूद वफा साहब जी, जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुज़श्ता चार दहाइयों से जिस तरह भरपूर लिख रहे हैं और आज तक आपने जो कुछ लिखा है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? कभी भी नहीं, नेवर एवर। ये तो जितना आप लिखते जाते हैं, आप बेतमिनानी का, आप ये देखो ना, ये भी एक वजह है, इतनी बेतमिनानी है कि मैं समझता हूँ कि और अटेम्प्ट करनी चाहिए। वो नज्में करें, नज्में मुर्रा में वो आ जाती है, दसवीं नज्में आ जाती है, तो ये एक बेचैनी और इस्तराब जरूर है। ईमानदारी की बात है, बिल्कुल भी मुतमिन, बिल्कुल भी। वो तो मुझे दुख होता है कि जो कुछ करना चाहिए वो तो कुछ भी नहीं हो सकता। कितना वो दर्द है और कितनी थोड़ा टाइम दिया है, और बहुत सारी जिंदगी तो मुआश में गुजर जाती है। यानी अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम मैंने एक बैंक में गुजारा, तो उसमें इतनी देर में शायरी के साथ, हाँ मुशक्कत थी कि आप थके हुए आए, लेकिन किसी शायर में, शेर में और किसी गजल में आसूदगी, इतनी कोशिश जरूर हुई और शायद मिली भी हो उस वक्त वो आसूदगी, लेकिन ये मुश्किल आसूदगी नहीं है। वो तो भी बहुत कुछ दिल है, बिल्कुल मुतमिन, ईमानदारी से क्या। मकसूद वफा साहब, ये बताएं कि उर्दू एक कुशादा जुबान है, इसके दामन में वसतें हैं, इसीलिए दूसरी जुबानों के अल्फाज इसकी मुमलकत में आकर खुद को अजनबी नहीं समझते, लेकिन लखनऊ और दहली मकातब फिक्र के फिक्र ने उर्दू को घर की लौंडी क्यों समझा रखा है? यार उस वक्त वो थी, क्योंकि तकलीकी काम उन्होंने किया हुआ था। जी जी। एक दक्कन वालों की तुम समझ लो, दक्कन वाले भी अपनी दक्कन भी अपना अलग रंग रखते हैं, तो उनको उनको ये हक हासिल है क्योंकि वो पाए नहीं थे। फिर लखनऊ में ये शहर अपने लोगों की वजह से दबिस्तान बनते हैं, तो ये देखो कि कितने कितने बड़े लोग अनीस लखनऊ में, तो वो दबिस्तान तो ये लोग हैं असल में, जो शहरों तक फिर महदूद नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। फिर दिल्ली में एक दबिस्तान बना और गालिब ने उसको एक बिल्कुल नए सिरे से इस्तेमाल करके रख दिया, जिसके बाद मोमन जैसा शायर पैदा हुआ, दाग उसमें अपना काम कर रहे थे। तो वो क्लासिक हैसियत जो है उस पे तो उर्दू शायरी को फख्र है दोनों, या होना चाहिए मेरे। तो वो लोग जब जहां भी होंगे वो दबिस्तान बन जाएंगे। वो फैज साहब देखो नारोवाल में थे, यानी सियालकोट को, इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, तो ये हो जाता है ऐसा। ये उनका क्लेम ठीक है, यानी हमें रेफरेंस और सनद अगर किसी चीज की लेनी पड़ेगी तो हम लेंगे, और अगर हमने खुद इजाफा करना है इसमें तो वो हमारी तकलीकी है कि हम जो कुछ क्रिएट कर रहे हैं। अब तो दोनों दबिस्तान नहीं रहे, अब तो उर्दू वैसे ही इंटरनेशनल जुबान बन गई। अगर हम 100 साल तक देखें, 100 साल तक हम अगर जाएं, तो इन दो शहरों से कोई इकबाल, फैज, नियाज़ी या लोगों दिल्ली से हाँ नहीं निकल सकता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जिस शहर में नीज पैदा हो वहां एक और गालिब भी पैदा हो, वहां एक मीर भी पैदा हो, वो तो पैदा हो जाते हैं बस, वो कहीं भी वो हो चुके हैं। इकबाल देखो कहाँ पैदा हुआ है, सियाल को, फैज साहब कहाँ, उससे भी आगे एक गांव है नारोवाल, काला कादर, नारोवाल के पास, नारोवाल। तो ये कोई पता नहीं चलता कि दर्द दिल किस दीने से फूट कर आपके शहर में जाएगी। किसी भी उपक से कोई रोशनी आ सकती है, वो सारी खूबसूरत है। दबिस्तान लखनऊ भी खूबसूरत है, दिल्ली भी, दक्कन भी, हमारा लाहौर, लाहौर भी कहें, कराची भी कहें, और फैसलाबाद भी, ये दबिस्तान है, बिल्कुल ये नए दबिस्तान है। बल्कि ये तुम्हारा क्या ख्याल है, ये लंदन भी एक दबिस्तान रहा है जब? जी हाँ बिल्कुल, नहीं अब भी है हर जगह। मैंने न्यूयॉर्क में देखा है, वहां लोग पढ़े लिखे हैं, वो अदरवाइज अदीब और शायर है, पाकिस्तानी है,
लेकिन वो अंग्रेजी में लिखते हैं, ऐसे लोगों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है और बहुत और बड़े बड़े अदीब है जी। तो ये तो जो है ना अब और तरीके से शुरू होगा, एक उर्दू जो है इंटरनेशनल सतह पे जो भी हो रहा है उसका एक फायदा भी हो रहा है, क्योंकि एक कल्चर बन रहा है उर्दू का हर जगह पे। मिडल ईस्ट में देख यार, मेरा बचपन मिडल ईस्ट में गुजरा है जी। मैं पला बड़ा हूँ और जब हम अपने वालदैन के साथ माँ बाप के साथ जाते थे तो अरबी बोल रहे होते थे, दुकानदार भी या किसी पार्क में गए हैं वहां भी, तो सारी जो मामलात थे वो अरबी में होते थे। लेकिन मैं दो तीन साल पहले गया हूँ जब मैं दुबई में, तो यार वो सारे उर्दू बोल रहे थे दुकानदार भी, और उन्होंने तीसरी जुबान इसको करार दे दिया अपनी नेशनल। बर्तानिया में भी ऐसे ही, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अपने वो बचपन की याददाश्त पे जोर दे के अरबी जब बोलता था तो वो कहते थे भाई उर्दू बोल रहे हमें आती है, अरबी कहते थे अपने यकीन तो। तो ये जुबान कोई, अब वहां जो लोग बोलते हैं उनका एक और कल्चर पैदा होगा, अगर वहां पे कोई शायर पैदा, यानी वो हमारे जुबैर फारूक साहब भी हैं अरबी, लेकिन वो एक और तरह का दबिस्तान पैदा होगा और हैं भी जी। तो ये कोई ऐसी बात, ये होने चाहिए, ये हर एक चीज खूबसूरत है, आना चाहिए। अंग्रेजी कर नहीं लेती है, अंग्रेजी नहीं कर, यानी उन्होंने कलकत्ता का जो एक्सेंट है तुम्हारे, ये इन्होंने अंग्रेजों ने जो जुबान की देर दबर पेश इधर नहीं होने देते, उन्होंने उस एक्सेंट को मान लिया है, इसलिए अंग्रेजी बढ़ी। बिल्कुल सही, वो एक्सेंट काबले कबूल है हमें अब बोलने के। हाँ नहीं, लेकिन कुछ लोग कुछ हजरात इस पे कुछ तो कहेंगे नहीं भाई हम तो दिल्ली के हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं, हाँ बर्दाश्त नहीं करते, ये तो मामले ना करे, करना तो पड़ेगा। बिल्कुल करना तो पड़ेगा, जुबान कोई ये तो नहीं है कि वो रुकी हुई है, जो रुक जाती है वो संस्कृत बन के खत्म, हिंदी बन जाती है। मैं ये भी कहूंगा हिंदी खत्म हो रही है हिंदुस्तान, उस तरह क्योंकि इस तरह से नहीं खत्म हो रही, वो जड़ें पकड़ रही है उर्दू में अपनी, उसके कल्चर का हिस्सा बन हिंदी। यानी अब ये हो सकता है हिंदुस्तान के दोस्त इससे इख्तलाफ करें कि नहीं हिंदी है या वो होगी, हिंदी कहीं जाती नहीं है, अगर उर्दू में आ रही है इसका मतलब है कि वो है। लेकिन एक ये जो यानी सबसे बड़ा मीडिया तो वहाँ फिल्म का है ना, सबसे बड़ा मीडिया है जुबान के हवाले से। वहाँ एक मुकदमा पेश होता है अदालत में कि ये सर्टिफिकेट आप हिंदी का देते हैं फिल्मों को सेंसरशिप, तो वो होती सारी उर्दू में। तुम मुझे बताओ नगमा निगारी जितनी हुई है हिंदुस्तान में हिंदी में हुई है कि उर्दू में हुई, सारे उर्दू के शायर, सारे उर्दू के शायर टोटल अभी तक उर्दू उर्दू गीत लिखेंगे आप जी। और अगर आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म में वो शुरू में हिंदी फीचर फिल्म लिखा होगा, वो तो ऐसे होगा। हाँ, यानी ये तो इस तरह से ये बहुत बड़ी जुबान है उर्दू में, इसका फ्यूचर ब्राइट है इसका। और खास तौर पे ये जो एहतमाम शेर व शायरी होता है ये और किसी जुबान में नहीं है, यानी ये जब हम बैठ के सुनते हैं बाकायदा एक तकरीब जिसमें शेर सुनेंगे, मुशायरा जो एक बहुत बड़ा इसकी खूबियां और खामियां जो इसकी, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम कल्चरली हम सुनते हैं यार, हम ये देख लो हमारे पंजाब में हीर बैठ के सुनते हैं लोग शायरी, हाँ जी, और रोते हैं यार, हीर सुन के रोते हैं। इसी तरह से बाकी सूफिया का कलाम, यानी आप उनके देखे वो सुनते, उर्दू का एक अपना कल्चर था, यानी वो मुख्तलिफ शक्लों में शायरी जो है वो सामने आती है। आप ये देखें मजालिस जो है खास तौर पे जो हमारी जो ये वाकया करबला के हवाले से कितने असरात हैं हमारी मजलिस, ये देख लो मुशायरे ने कितना ज्यादा इसको किया, और अदरवाइज यानी उस दौर की तकारीब में शायरी सुनाई जाती थी पसंद करते थे, ये एक बहुत बड़ा कल्चर है। आज जिस तरह के उर्दू टाइम टीवी .com उर्दू गजल और नज्म के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम मकसूद वफा
हमारे दरमियान मौजूद हैं, एक भरपूर जो मुकालमा है इनके साथ हमारा जारी है। मकसूद खान साहब, कराची से एक बड़ी भरपूर एक तवाना आवाज आई है कि पूरी ये जो ये आवाज बुलंद किसने की है वो बताएं। बड़ा नाम आप समझते हैं, इफ्तिखार आरफ साहब ने ये बात की है। उन्होंने कहा कि खाली गई है, जमूद का शिकार है, कोई बड़ा शेर कराची से सामने नहीं आ रहा। उन्होंने कराची को टारगेट किया खासतौर पर। ऐसा नहीं है, काम हो रहा होता है। मेरा ख्याल है ये कोई लाउड क्लेम है, अगर हम ये कहें कि फलां शहर में काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। हो सकता उनको मालूम ना हो, और कराची में बड़े बड़े अच्छे शायर, नए शायर पुराने और हमारे ये ग्रुप के भी मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वो इस तरह से सोचना मेरा ख्याल है एक मुगालता है। लोग काम कर रहे होते हैं और बड़ी आवाज किसे उन्होंने कहा है ये मैं समझ नहीं सका सकता हूँ कि बड़ी बड़ी आवाज क्या होती है, तो वो बड़ी बनते बनते देर लग जाती है बाजों का। जिस तरह से मीरा जी का पता नहीं था किसी को कि वो बड़ी आवाज, मजीद अमजद का किसी को नहीं, तो इफ्तिखार आरफ को हो सकता है उन्हें अभी हम समेत ये इल्म ना हो कि कौन सी बड़ी शख्सियत कहाँ पर है। ये कोई ऐसा ओवरऑल जब हम ये देखें हाल, अगर शायरी का ये सिर्फ कराची की बात नहीं है तो वो एक तरह से जमूद का शिकार है भी। जिस तरह से भी हमने एक बात पे डिस्कस कर रहे थे और उस पर हम सब ने इत्तेफाक भी किया कि आप मोस्टली जो कलाम हम पढ़ते हैं या छप रहा है वो एक ही बंदे का लगता है, यानी उसी तरह के इस्तारे, हत्ता के लोग उसी तरह से पढ़ने की भी मुशायरे में कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं कि ये क्या नकल हो रही है या क्या। वो तो हर तरफ जमूद रहता है और हमेशा इसी तरह से रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, या ये कोई वो हमें कोई खबर नहीं सुना रहे, इस तरह से होता भी है, इस तरह से है भी। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये नहीं है मायूसी है, ये बहुत सारे लोग बड़ी बहुत पूरी दुनिया में अच्छा काम हो रहा है, उसको भी हमारी एज ग्रुप समेत अभी इन लोगों ने काम करना है, इनका बाकी है काम अभी वो करें, और जिन जिन लोगों ने किया है वो आपके सामने होंगे, वो आपको भी पता होगा, ये नहीं है कि वो छुपे होते हैं। जिनको हम ये समझ रहे होते हैं कि वो हम जो मजलिस में नजर नहीं आ रहे या मीडिया पे नजर नहीं आ रहे तो वो कहीं गए होते हैं, उनका सबको पता है, ये कोई ऐसी बात जहां जाकर जमूद भी कहना अच्छी बात नहीं। यही बात के हवाले से की जाए तो यहाँ के हवाले से क्या आप फरमाएंगे? फैसला यार, शायरी एक ऐसी चीज है, जिस तरह से मैंने इफ्तिखार आरफ साहब की बात पे कहा कि इस तरह शहरों के हवाले से इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, हम कलेक्टिव जो मूव है, फैसलाबाद ने हमेशा से अच्छे शायर पैदा किए, इसमें कोई शक नहीं, हर दौर में और मुख्तलिफ अदवार में जो है ना, कुछ ऐसे शायर भी आए जो जिन्होंने खास अहद में अपना काम किया और उसकी दाद पाई और उनको उसका सिला भी मिला, लेकिन वो काम जारी नहीं रख सके, कई ऐसा भी हुआ। लेकिन ये कि कंटिन्यूटी, एक कंटिन्यूटी, आप खुद इस शहर 30-35 साल तो आपको भी हो गए देखते हुए, एक कंटिन्यूटी है। फैसलाबाद इस मामले में दरखेज है, एक कंटिन्यूटी है, कोई ना कोई ऐसा शायर नया आ जाता है, और फिर बड़ी अच्छी एक्टिविटी रहती है, इसलिए कि यहाँ पे मुकालमा बड़ा खुले दिल से होता है और दलेरी के साथ होता है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी हम जो भी शायरी के बारे में समझते हैं यहाँ का अदीब और शायर, अमूमन वो उसको उसके बारे में खुल के बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और माशाल्लाह इसमें दरपेशी तो हमेशा से शहरों से ज्यादा है, दूसरे शहरों से कलामे शायर बज़ुबाने शायर आप कुछ सुनाएं हमें। जी मैं सुनाने लगा हूँ, डिक्शनरी देख कर शायरी मुरतब करती हुई दानिश, नज़्म सुनिएगा, मैं बहुत तवज्जो का तालिब हूँ।
डिक्शनरी देख कर शायरी मुरतब करती हुई दानिश, 90 ग्राम के कागज पर छपी हुई कालक को अपने मुंह पर मल कर बेहिसी के साथ सो रही है। रत जगों के अलाव में राख होती हुई खामोशी, मरे हुए शहर में किससे जाकर कहे कि जिंदा रहने के मानी सांसें कांटों पर घसीटते घसीटते खुलते हैं। डिक्शनरी देखकर शायरी मुरतब करती हुई दानिश, 90 ग्राम के कागज पर छपी हुई कालक को अपने मुंह पर मल कर बेहिसी के साथ सो रही है। रत जगों के अलाव में राख होती हुई खामोशी, मरे हुए शहर में किससे जाकर कहे कि मरे हुए शहर में किससे जाकर कहे कि जिंदा रहने के मानी सांसें कांटों पर घसीटते घसीटते खुलते। लहू में सुलगती हुई कहानियां अपने आप को मिटाकर ही लिखी जा सकती है। लहू में सुलगती हुई कहानियां अपने आप को मिटाकर ही लिखी जा सकती है। दिमाग की फटती हुई नसों से रिश्ती रतूबत, मरहम की तिफल तसल्ली से आसूदा नहीं होती। दिल पर आया हुआ जख्म छिदी हुई पोरों से नज्मों में सीना पकता है। दिल पर आया हुआ जख्म छिदी हुई पोरों से नज्मों में सीना पड़ता है। उंगलियां झड़ जाती हैं, मिसरा मुकम्मल नहीं होता, क्या बात, लेकिन हिजर पूरा काटना पड़ता। लहू में सुलगती हुई कहानियां अपने आप को मिटाकर ही लिखी जा सकती। दिमाग की फटती हुई नसों की रतूबत, मरहम की तिफल तसल्ली से आसूदा नहीं हो सकती। दिल पर आया हुआ जख्म छिदी हुई पोरों से नज्मों में सीना पड़ता है। उंगलियां झड़ जाती हैं, मिसरा मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हिजर पूरा काटा। इसमें साबिर रजा, मैंने बहुत मुख्तलिफ, मैंने बिल्कुल शायरी को और तरह से देखा। मेरा एक अजीब तजर्बा रहा है इसमें, यकीन करो कि मैं बहुत इसमें मुझे लगा कि शायद कुछ कह सकता हूँ। ये मुझे जरूर महसूस, शायरी बिल्कुल एक और चीज है, बिल्कुल एक और चीज है वो। उसका बाद में ही कई दफा पता चलता है कि वो किस तरह से कहाँ पर क्या करती है और कि क्या शेप इख्तियार कर लेती है, क्या पता चलता है। ये पता चलाना मुश्किल है, मुश्किल है। इसको इस सिंफों में नहीं बांटा नहीं जा सकता, नहीं हो सकता। जी हाँ। मेरा ख्याल है काफी गुफ्तगू हमने की है और हम करते जा रहे हैं कि ये अब आप एक तो जो नए लिखने वाले हैं दुनिया में ये प्रोग्राम जाएगा, नए लिखने वालों के लिए खास तौर पर जो लिख रहे हैं वो तो आपसे, आपको सुनकर, आपकी शायरी सुनकर वो उनको तो सब कुछ मिल जाएगा। जो नए लिखने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुझे नए लिखने वाले बहुत पसंद हैं और बेशुमार हैं, और हत्ता कि मुझे नए जो भी मेरे लिए आसानी ये भी है कि हर चीज पहुंच जाती है मेरे मुझ तक, जो भी लिखा जा रहा हो किताबें आ जाती हैं, लोग मोहब्बत से भेज देते हैं। नए लिखने वाले बहुत अच्छा लिखते, उनमें पोएटिक सेंसिबिलिटी भी है, उनमें जौक भी है, और उनमें वो दर्द उठाने की और दर्द से हज उठाने की जो एक क्वालिटी है वो भी है अच्छा। लेकिन बेशतर लोग जल्दी में, ये जल्दी नहीं करते, और जल्दी हो सकता है किसी बुरे शायर को तो सपोर्ट कर दे किसी ना किसी हद, लेकिन अच्छे शायर के लिए जल्दी जो है ना वो एक जहर, वो मर जाता है।
देखिए जब तक आप प्रॉपर एक वक्त नहीं देंगे किसी भी चीज को, एक जीना है ना जो आपने चढ़ के जाना है, एक एक जीना, तो हर जीने पे पांव रख के जाना है। वो इस तरह से नहीं होगा कि आप छलांग लगा दें, वो आप अपना सफर जाया करें। तो ये इस जल्दी से बच जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इम्कानात बेशुमार हैं जिस तरह से हमेशा से होते हैं। ये तुमने खुद देखा इसमें क्या फायदा हुआ है, जल्दी हमारे साथ की नस्ल को जल्दी करने का क्या फायदा हुआ। मसलन पूरी दुनिया में शेर पड़े कई लोगों ने, पूरी दुनिया में जा, और बल्कि उन्होंने दूसरों को भी ये लालच दिया कि हम आपको भी लेकर जाएंगे, वो भी एक तबका पैदा हो गया। लेकिन वो कहाँ गए वो लोग, मुझे बताओ तो। और अब आके यानी आप 50-60 साल अगर उसमें लगा दें, आखिर में ये पता चला कि आप तो मिसरा उठा लेते हैं किसी का, ये नए लोग हमसे भी चीखे जिन लोगों ने ये किया जी। तो क्या हुआ, ये कंसेंसस डेवलप हो जाए, आपकी शायरी को अच्छा लोग कहें बुरा कहें जो मर्जी कहें, लेकिन ये तो ना कहें कि ये उठाई हुई चीज है जी। ये भी हमारी नस्ल के साथ हुआ। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी किया कि उन्होंने कहा कि शायद कोई 60 किताबें छप जाए तो इससे बड़ा फायदा होता, वो भी तजर्बा आपने किया, ये नई नस्ल वो भी देख रही है और उनको सारा पता चल रहा है। कुछ लोगों ने मीडिया इस्तेमाल किया, अच्छा मीडिया तो उससे भी जालिम चीज है, वो आपको थोड़ी देर के लिए लोरी देती है फिर ऐसा सुलाती है कि आप जागते ही नहीं है, वो भी आपने एक्सपीरियंस कर लिया। और अभी जो जो हम ये क्लिप्स की बात कर रहे हैं, जो पीछे देखो टाइप, वो भी आपने, आपके पास तो ज्यादा तजर्बा है नए लोगों के पास, तो आपको तो सारी कुछ क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी हो जाएगी कुछ देर अरसा और लगेगा। तो ये हो रहा है साफ साफ मुझे नजर आ रहा है और बड़ी पॉजिटिव। और आखिर में हम सब अपने सभी दोस्तों को याद करें तो हाँ, तो हाय हाय यार इस शहर का अगर देखो, अगर मैं याद करूं जो लोग होते थे यही से शुरू करें, लाहौर के लोग यार इतनी लंबी फहरिस्त है, यानी देखो खलीक कुरैशी का एक अलग डेरा होता था, वहां पे अलग लोग बैठ रहे हैं और उनके अपने एक वो है मकासद और अपनी तर्ज की शायरी है, फिर वो एक बाबा बीर अबू जरी का और शौकर फानी का एक डेरा है, वो एक लोग हैं और वो भी खिदमत कर रहे थे, यानी कंटिन्यूटी थी, मुशायरे हफ्तावार हो रहे हैं और वहां पे लोग आ रहे हैं अचकने पहन कर, मैंने देखा है चप पजामे पहन कर, वो पता नहीं यार लोग बड़े प्यारे लोग थे, पता नहीं किधर। फिर हम जब आए हैं तो इसमें एक मॉडर्न दौर शुरू हो रहा था, सलीम बेताब साहब जा चुके थे बहुत छोटी उम्र में, लेकिन एक बड़ा नाम था सलीम बेताब का, बहुत बड़ा नाम जानते हो, और उनका देखो वो अच्छा, उनका नाम कोई जानता हो ना हो, देखो बड़ा शेर क्या होता है, उनका एक शेर सारे लोग, कोई मेरा नहीं ख्याल के किसी ने नहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना हुआ तो उसको अपनी समाज पे शक होना चाहिए, ये भी समाज। मैंने तो यूं ही राख पे फेरी थी उंगलियां, देखो ना नाम आता है तो और इस तरह के शायर। फिर जो एक नया दौर जब शुरू हो रहा था तो उसमें अफजल आसर रंधावा की, अजी लुधियानवी की, और इस तरह के तनवीर जिलानी, बहुत लोग होंगे मुझे नाम शायद मैं ना ले, लेकिन ये सारे लोग मौजूद थे उस वक्त भी। फिर रियाज मजीद का दौर आता है और रियाज मजीद साहब ने कैसे तमतराक से वो दौर गुजारा है, और जहां भी हम जाते थे तो रियाज मजीद साहब का पूछा जाता है। तो ये सब लोग कंट्रीब्यूट, अदीम हाशमी जो शहर, इस शहर में जो इफ्तिखार नसीब, ये देखो कैसी खूबसूरत आवाज है। फिर इसके बाद हमसे कुछ जो सीनियर थे उनमें कयूम नासर, अरशद जावेद, ये एक ग्रुप के लोग, एक रोशन ख्याल थे, इकबाल नवीद साहब, ये इनसे ये बाहर निकल चुके हुए थे जब हमने, ये लोग कितने जबरदस्त लोग थे और अपना काम कर रहे थे मोहब्बत के साथ।
फिर उसके इसके अलावा आजमतुल्ला खान का एक अलग ग्रुप था जिसमें वो बच्चों की शागिर्दी का एहतमाम करते थे, लबो लहजा कैसे दुरुस्त करना है वो करवाते ना वो तो ये प्यारे लोग थे ये सारे। फिर झंडे वाली गली एक थोड़े यार फैले हुए हैं हर तरफ यादें जो हैं। फिर हमारे ग्रुप के लोग नजर जावेद उसमें सबसे सीनियर था, वहीद अहमद, फिर जावेद अनवर जो दूसरे शहरों से इस शहर में पढ़ने आए लेकिन उनकी पहचान ये बनी, हुसैन आबद, डॉक्टर साकब जो अब मरीज से रहती है। तो ये सारे लोग इसी तरह से लाहौर के कई लोग, औराक का एक ग्रुप हमारे सामने था, अहमद अजीम कासमी के फनून का एक ग्रुप हमारे, लेकिन यार इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया ये साबित हो गया। यानी इनकी किसी की भी इनके आपस में इख्तलाफ जो भी हो लेकिन उससे अदब को फायदा ही पहुंचा है क्योंकि ये पॉजिटिव लोग, ये इस तरह के जाती हमले। डॉक्टर वजीर आगा साहब और वजीर आगा साहब एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, हमें उनसे भी इत्तेफाक हुआ। उसके बाद तो फिर पता नहीं कौन, शहजाद अहमद, अपना अहमद नदीम कासमी साहब, हाँ अख्तर हुसैन जाफरी साहब के साथ में नशिस्ते। फिर जॉन एलिया कहीं से आ गया हमारी जिंदगी में, वो आ जाते थे, वो यादें बिखरी हुई हैं। मुझे तो लगता है कि ये भी एक कर्ज है, ये भी किसी दिन उतारेंगे ये। फिर अपने शहर के मियां इकबाल अख्तर ने जिस तरह से शहर में मेहनत की है यार, वो एक अलग एक दास्तान है। अगर उसकी वो तकमीली प्रोग्राम हो रहे हैं और कल्चरली उसने दूसरे म्यूजिक के हवाले से कितना रिच किया, यानी बड़े बड़े गुलुकार आए उसमें गाने के लिए, तरन्नुम नाग को उसने बुलवाया, उसने इनको बुलवाया, ये जो गुलाम अब्बास को बुलवाया, बड़े सारे लोगों को बुलवाया, तो फैल नियाजी को यहाँ पे, और सारी सारी रात फंक्शन चल रहे हैं, सारी सारी रात इस शहर में म्यूजिक, और वो नुसरत फतेह अली खां की जो बरसी, हाय हाय हाय, वो देखो वो कैसे लोग थे। तो मुझे बताओ उससे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल कोई हो सकता है? मेहदी हसन जो नुसरत, सारे लोगों को हमने वहां सुना बचपन में अपने, मेहदी हसन कब आ रहे हैं? और फिर वो गली दीगल रोड वाली उस पे जो नशिस्तें, और फिर जंग बाजार के कॉफी हाउस और वो सारे, ये उसमें ड्रामा आर्टिस्ट भी जो अब नजर आ रहे हैं आपको, हमारे फैसलाबाद के कई ड्रामा आर्टिस्ट वहां पहुंचे, उन्हीं महफिलों में थे, उन्हीं महफिलों में। तो एक रिच शहर था बहुत, अब भी है, अब भी ये नहीं, अब राहत देखो किसी शहर पे है। मुख्तलिफ आस्पेक्ट से ये शहर बहुत मजे का, बहुत ही मजे का। और फिर एक खूबी जिसको हम इसकी महरूमी कहते हैं, वो खूबी बन गई है, ये बड़े जो मराकज है ना अदबी, उनमें एक खराबी पैदा हो जाती है क्योंकि उसमें सरकारी दरबारी सहूलतें जब दस्तयाब होती हैं ना तो बड़े अदबी शहर खराब होते हैं। फैसलाबाद उतना खराब नहीं हो सका इससे क्योंकि यहाँ पे अमल दखल नहीं है, सरकारी दरबारी लोगों का वो मतलब कंटोनमेंट नहीं है। फिर कोई बड़ा यानी कोई सूबे के लेवल का कोई इस तरह से नहीं है कि जो अदीबों और शायरों के मुंह में अपनी जुबान रखे और फिर उनसे काम ले, वो सारे लाहौर चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं। तो ये शहर इस हवाले से भी साफ सुथरा और दबंग शहर है, बहुत मजे। किस किस को याद करें, बात देखो लंबी से लंबी होती जा रही है, यानी ये तुम और मैं अगर बातें करते रहे तो सारी रात कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है दोस्तों का इतना स्टेमिना ना हो तो नहीं, वो इसको ये तो नहीं हो सकता, इतना तो बोलने का भी नहीं है, सुनने का तो बड़ा जिगरा चाहिए। मकसूद साहब जी, आपने जो चंद नाम हमारे सामने लिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये शहर फैसलाबाद की शान थे, लेकिन कुछ दो चार पांच ऐसे नाम जो नुसरत सिद्दीकी साहब रहे, उनमें डॉक्टर वहीद अहमद, उनके आप भी ले देना जो मुझे भूले हैं, शाद अहमद खान, फजल हुसैन राही हमारा जान, ये पांच छह, फजल हुसैन राही का नाम देखो उससे कितनी आबाद थी महफिलें, आए हाय
फजल हुसैन राही और बहुत सारे लोग होंगे जो हमें याद है, इश्फाक बुखारी साहब, आप वो देखें, ये अब्दुल असर दावा की महफिलें, बहुत ज्यादा, अब डॉक्टर मकबूल अख्तर देखो कैसे कैसे नाम, मकबूल और उन्होंने तो हमारी तरबियत खूब ऐसे की है ना कि पै जाओ जरा गलत गल करते हैं, और खुद भी वो ऐसे बड़े शगुफ्ता से अंदाज में, यार इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने उनको करते सुना है डॉक्टर मकबूल अख्तर को, और जब वो उनकी सदारत होती थी या उन्होंने कोई चीज पढ़नी होती थी तो हल्के की रौनक ही उससे सिवा हो जाती थी, यार चलो डॉक्टर मकबूल अख्तर साहब आ रहे ने, नाल रियाज मजीद साहब बैठे होंगे नाल है, अते ओ फिर इन मुतहारब जो आरा आती थी उनसे तो हम बहुत कुछ सीखते थे, उधर के दलायल उधर के, लेकिन ये देखो कि आपस में कितने प्यार से बैठते थे, यानी राणा इरशाद अहमद खान की और रियाज मजीद की अगर दोस्ती की मैं बताऊं तो वो तो बहुत किस्से हैं उनके, लेकिन एक अपने अपनी जगह पर बैठे हुए ये मुख्तलिफ लोग थे जो एक मुकालमा कर रहे थे और हम जैसे लोग उससे सीख रहे थे। दो नाम आप दोनों भूल गए हैं, उनमें है डॉक्टर अनवर महमूद खालिद साहब, हाँ वो बिल्कुल, और अहसन जैदी साहब, अहसन जैदी साहब, मंजर मुफ्ती साहब, मंजर देखो कितने लोग हैं यार, ये याद, ये तो ये मैंने कहता हूँ कि याद आते जाएंगे, ये सिलसिला ऐसा है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ जैसे बहुत करीबी आदमी को शादी का कार्ड देने भूल जाए, ऐसे भी नाम जा रही है, चीजें याद आती जा रही हैं। हाँ चीजें याद आती हैं बहुत, इजाज कमर राजा साहब देखो, इजाज कमर राजा हाँ, शहर में एक दबंग, और मार्शल्ला के दौर में जिससे हम पे हमारे लिए तो हाल बंद कर देती थी कौन, और तुम्हें पता है मुकदमा जब हुआ भुट्टो की फांसी पे, इन्होंने इजलास किया और सलीम सयाल की सदारत में एक मुशायरा हुआ जिसमें उन्होंने मशहूर जमाना अपना शेर पढ़ा, तुझको मरना था तुझे मौत तो आ जानी थी, दुख तो ये है तेरा कातिल तेरा दरबारी था, और फिर केस चला, हल्का बैन कर दिया गया, और यहाँ के लोगों ने और पूरे पाकिस्तान के दीप खामोश रहे उस पे, ये देखो ये अकेले लड़े, यानी ये नजरियात कहाँ है इनके, जो बल्कि जो उसमें मुकदमों में शामिल थे वो कई कहानियां और कई स्टोरी, मकसूदफा हम एक दफा रात को गए थे जड़ा वाले रोड पे किसी के गांव में, हाँ हाँ मेन रोड से उतर कर फिर हम नहर के किनारे किनारे, वो कौन साहब थे, अब मेरा ख्याल है कोई लुड़कियां वाला होगा और कोई, क्योंकि जड़ा वाले जाते रहते थे क्लास में, रात को भी हम एक दफा गए, बिस्मिल्लापुर की बात कर रहे हैं, एक बार बहुत अर्ली गए थे हम वहां मिशारे के लिए, याद है आपको, गए होंगे, हाँ गए होंगे, जड़ा वाला तो था, नहीं जड़ा वाला में नहीं, जड़ा वाले रोड पे, एक रोड पे, हाँ वो नहीं, वो उनका क्या नाम, कमल था उनका नाम कुछ यार, इजाज कमल, इजाज कमल रेडियो के, हाँ वो प्रोग्राम अब भी इसी तरह से होते हैं, अच्छा माशाल्लाह जारी है जिंदगी इसी तरह, तो रुबाब आप कुछ पूछना चाहती हैं, फिर उसके बाद महफिल का इख्तिताम कर रहे हैं आज की महफिल का, इनसे तो बात होती रहेगी, आइंदा भी इनको तकलीफ देते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक दो क्वेश्चन लिखे तो हुए थे, ये रुबाब का तल्लुक चनोट से है, मैंने बताया इनको, मैंने अब बताया हमने आपकी गैर मौजूदगी में मुकम्मल तआरुफ करा दिया है, अच्छा ये भी सही है, अच्छा एक क्वेश्चन वो काफी देर से मेरे जहन में था, फिर बात कर और से और निकल गई कि मौशरती तासुब की तरह अदब में भी जो है वो तासुब मौजूद है, खास तौर पर जो हमारा यहाँ पे है खुल के नहीं हम लिख सकते, हमारे पे कई तरह की रिस्ट्रिक्शन थी, वो तो क्या इसके फिर जो हमारा अदब है इस पे असरात नहीं पड़ते, उसको फिर किस तरह से हैंडल किया जाए, क्या किया जाए इसके लिए, देखिए मकसूद फासाब की आवाज बंद हो गई है, वो तो ये कंप्रोमाइज कर, जी कॉल आई थी मैंने बंद की थी, अच्छा ओके अब मेरा ख्याल है, जी अब माशर्ती दबाव है, कुछ दबाव नहीं होते, कुछ
खूबसूरतियां होती हैं माशरती हमारी, ठीक है। अच्छा, वो माशरती खराबियां हैं जिन्हें आप माशरती दबाव गालबन कह रहे हैं, वो माशरती बुराइयां हैं जिसको हमें विरोध करना चाहिए। उसमें हमें एक तो टॉलरेंस पैदा करनी चाहिए, यानी आप तासुब में उसे उस वक्त आते हैं जब आप टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ चीजें, उसमें लिसानी एतबार से भी हम करते हैं, उसमें हम अपने नजरियात के वजह से भी मुतसब हो जाते हैं, उसमें हम अपने मफादात की वजह से भी कारोबारी हो जाते हैं, और एक खास नुक्ता नजर इस तरह का भी अदब पैदा हो जाता है जो हासिल करना चाहता है ये भी। तो ये सारी माशरती बुराइयां जो है जाहिर है शायर अदीब को पॉइंट आउट करी, उसको देखना, ये उसका फर्ज है जी। ये उसका फर्ज है, ये तो जाहिर है, उसको लंबी बात है, उसमें काफी सारी हवाले अभी में आ भी चुके हैं। तो मसूद वफा साहब, आपका खास तौर पर और शहजाद बेग साहब, रुबाब तबस्सुम, आप सबका उर्दू टाइम यूके की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर हमारी मोहब्बत यार, तुमने याद किया, गए जमाने लौट आए, और आज इत्तेफाक से मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, और एक बहुत खूबसूरत तन्हाई है यहाँ पर जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ। हम आपकी तन्हाई का तन्हाई में हम मुखल नहीं होते, और कायम रखते कि मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ। मुखल नहीं हुए, हमने असल में अपनी अपनी तन्हाइयाँ शेयर की जी हाँ। तो ये तुमने फोन किया और ये अचानक जो गुफ्तगू का सिलसिला निकला, मैं ममनून हूँ आपका बहुत ज्यादा। बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। तो मैं इस खुशी के साथ आप सब से इजाजत चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें फिर मिलाए, हम फिर आपस में अपनी बातें करें, अपने शहर की बातें करें, पाकिस्तान की बातें करें, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बातें करें और मशवरत करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।